बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एंटेस्ट्रेस मात्र की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, इन एलडीसी का पेपर हमने शुरू किया था, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स। तीन पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, इस वक्त पार्ट नंबर 4 अपलोड कर लेते हैं और इसके बाद मजीद एक पार्ट होगा। चूंकि 100 क्वेश्चन थे, 20-20 क्वेश्चन हल कर रहे हैं, आज के पार्ट में टोटली इंग्लिश एमसीक्यूज होंगे। तो देखिए, इंग्लिश पार्ट को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन नंबर 61, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स की बात है, गार्निश, गार्निश इसके मानी है डेकोरेट करना। तो इसका करेक्ट सिनोनिम ऑप्शन सी, डेकोरेट। क्वेश्चन नंबर 62, एबॉलिश। एबॉलिश को माने सिरे से मिटा देना, खत्म कर देना। तो इसमें नलिफाई, नलिफाई ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 63, डिफेमेशन। डिफेमेशन और इसके माने है किसी को की तौहीन करना। डिरोगेशन ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है, इसका सिनोनिम है। अब मजीद तीन एंटोनिम्स है। 64 नंबर क्वेश्चन, एम्पलीफाई। एम्पलीफाई के माने जिस तरह एम्पलीफायर लगाते हैं अपना डिश के साथ, तो वो सी कर देता है, एक्सटेंड कर देता है। तो इसका एंटोनिम होगा करटेल, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65, वॉलंटेरी, रजाकाराना तौर पर, और इसका अपोजिट होगा कंपल्सरी, लाजिमी तौर पर। तो कंपल्सरी इसका एंटोनिम है। एंड 66, सिंथेटिक। सिंथेटिक ये आरजी चीजें जो हाथ से बनाई जाती है केमिकल रिएक्शन की, तो इसका अपोजिट होगा नेचुरली, जो कुदरती बनता हो, ऑप्शन सी। अब चार क्वेश्चन जो है वो है स्पेलिंग करेक्शन का। 67, लफ्स लिखा हुआ है इनवेरिएबल, INVARIABLE, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इनवेरिएबल, वेरिएबल जो चेंज हो सकता हो, इन वेरिएबल जो चेंज ना हो सकता हो, तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन ए है। करेक्ट स्पेलिंग इज ऑप्शन ए। 65 नंबर है सफिशिएंट। सफिशिएंट की स्पेलिंग है SUFFICIENT, सफिशिएंट। तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग जो है वो ऑप्शन बी है। सिमिलरली 69 नंबर है कंपेटेबल, कंपेटेबल, COMPATIBLE, कंपेटेबल, ऑप्शन बी यहां भी करेक्ट ऑप्शन है। और 70 नंबर क्वेश्चन देखे, बैरिस्टर, बैरिस्टर, BARRISTER, बैरिस्टर, तो यहां भी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। अब क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन है करेक्ट सेंटेंस, दिए गए सेंटेंस में से करेक्ट सेंटेंस की निशानदेही करना है। 71 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सेंटेंस नंबर 1 है कि इफ यू लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली यू विल आंसर देम इजीली। इफ यू लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली यू विल आंसर देम इजीली, इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं, जरा चेक करते हैं। इफ यू लिसनड, यहां पर ये सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है आखिर में, यहां पर ये कंडीशनल सेंटेंस ये मैच नहीं करता। आगे लिखा है थर्ड में, इफ यू लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली यू आंसर, यहां पर विल का इस्तेमाल होना चाहिए, यहां भी गलती है। और ऑप्शन डी में, इफ यू लिसन द क्वेश्चन केयरफुली यू विल आंसर देम इजीली, यू विल आंसर देम इजीली, तो यहां पर देखे
एप यू विल, यहां पर ये विल की गलती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए है, करेक्ट सेंटेंस इसमें ऑप्शन ए है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, 72, शी वॉज यूज टू गेट अप अर्ली, शी वॉज यूज नहीं आएगा, वॉज का इस्तेमाल नहीं आएगा, यहां गलत है। अपना आगे देखिए, बी शी यूज, यूज नहीं, ये थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट में गया, शी यूज टू गेट अप अर्ली, शी यूज टू गॉट, ये गॉट नहीं आना चाहिए, ये भगत, ये ए बी सी तीनों गलत है, ऑप्शन डी जो है ना ये करेक्ट है। शी यूज टू गेट अप अर्ली, ऑप्शन डी। 73 देखे, द रेनी सीजन बिगिंस ऑन जुलाई, द रेनी सीजन बिगिन, सीजन्स बिगिन, बिगिंस, बिगिन का स्पेलिंग गलत है, ये नहीं, द रेनी सीजन देखते हैं 73, द रेनी सीजन बिगिंस इन जुलाई, आन यहां आन लिखा है, ये देखिए ये गलत है, ठीक है। आगे देखिए, द रेनी सीजन बिगिंस 8 जुलाई, ये 8 गलत है, द रेनिंग सीजन, यहां रेनिंग गलत है, ऑप्शन डी यहां भी ठीक है, द रेनी सीजन बिगिंस इन जुलाई, ऑप्शन डी का सेंटेंस जो है ये करेक्ट है। 74 नंबर सेंटेंस देखिए, हारिस हैज लॉट्स ऑफ फ्रेंड बिसाइड्स, ये बिसाइड्स आना चाहिए, ये गलत है, यहां हारिस हैव, ये हैव गलत है, हारिस हैव यहां भी हैव गलत है, ऑप्शन डी, हारिस हैज लॉट्स ऑफ फ्रेंड बिसाइड्स हिज क्लासमेट रूममेट, तो यहां भी करेक्ट सेंटेंस जो है वो ऑप्शन डी है। 75 नंबर क्वेश्चन को देख के, अब प्रीपोजिशंस है, इट इज आफुल टू बी अफेक्टेड एप्लेक्टेड अ सेंस ऑफ इंफीरियरिटी, एप्लेक्टेड विद आएगा इसमें, विद ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन को देखे, द कमेटी रिग्रेट्स डेट इट कैन नॉट एक्सीड टू, एक्सीड के बाद हमेशा टू आएगा, टू योर क्वेश्चन, टू योर रिक्वेस्ट फॉर अ मंथ्स अनपेड लीव, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। 77, द पब्लिक वर वॉन नॉट टू ग्रेपल्ड विद द पुजेटिव एज ही वॉज आर्म्ड एंड डेंजरस, यहां पर भी विद लगेगा, ऑप्शन ए। अब आगे कंप्लीट द सेंटेंसेस, 77 नंबर, 78 नंबर लिखा है कि वी वर कॉट इन द स्टॉर्म एंड गॉट, वी वर स्टॉर्म यानी तूफान में हम गिर गए और क्या हो गया, हमारे कपड़े गीले हो गए, यहां पर ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है, याद रखिए दोस्तों, डिरेंच और सॉक्ट, इसमें मजीद देखे लेकिन बेहतरीन ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए है, सॉरी बी। 79 नंबर क्वेश्चन देखे, द फ्रॉम द माउंटेन इज डेंजर, द डिसेंट नीचे उतरना जो है ना, डिसेंट ऑप्शन बी करेक्ट है। और 80 नंबर क्वेश्चन देखे, वी हैव ट्रस्ट इन यू, वी ये यहां जितने भी ऑप्शन दिए गए ना दोस्तों, ये तमाम के तमाम इसमें लग सकते हैं, अब ये नहीं पता, वी हैव परफेक्ट भी लग सकता है, इंटायर भी लग सकता है, इंपेरेटिव, एब्सोल्यूट, लेकिन होना चाहिए, यहां पर मैं ऑप्शन बी को करेक्ट कर लेता हूं। तो ये तो दोस्तों पार्ट नंबर 4, आखिरी पार्ट, इसके बाद फौरन अपलोड करूंगा, लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।